आज का दिन स्पेशल दिन है। आज रक्षाबंधन है, बहन और भाई के प्यार का इजहार करने का दिन है। ये है सुबह का नजारा। स्वारगेट में रहता हूँ मैं अभी फिलहाल तो मेरे दोस्त के पास, और ये छाता लेकर जाने वाली औरत है, क्योंकि क्या है सुबह सुबह इधर आज बारिश चालू हुई है। मेरे दोस्त ने मुझे कॉल किया था 4:30 बजे और बताया था कि भाई तेरे उधर बारिश चालू है या नहीं। मेरी आँख खुली नहीं हुई थी, मैंने ऐसे ही देखा और उसको बोला कि भाई मेरे इधर तो बारिश चालू नहीं है। लेकिन अब जब मैं बाहर आया हूँ तो मुझे समझाए कि भाई बारिश चालू है, इतनी चालू है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, 2 किलोमीटर तो मुझे मेरी गाड़ी पर जाना है, बाद में मैं बस से ही जाने वाला हूँ। अरे सुबह सुबह का नजर आना भाई बहुत मस्त है यार। सुबह सुबह की राइडिंग ना दिल को बहुत ठंडक पहुँचाती है और मन को बहुत प्रसन्न करती है। सुबह सुबह ना यार, मतलब कभी भी देखो रात को रास्ता बहुत कंफ्यूज कर देता है यार, समझ में नहीं आता कि कहाँ से राइट लेना है और कहाँ से लेफ्ट होना है। भले ही आप उस एरिया में रहते भी होंगे ना तो भी आपको मतलब ये दिक्कत आएगी ही। मुझे तो बहुत बार ऐसी दिक्कत आई है, मुझे इसी पॉइंट पर जाना रहता है ये जिस चौक में अब हम आए हैं, लेकिन वही चौक पर मैं 2-3 बार घूम के आता हूँ तब पता चलता है कि भाई मुझे इधर ही आना। ये अभी मैं सारस बाग के पास आया हूँ। सारस बाग से 1.5 किलोमीटर या 1 किलोमीटर दूर पर मेरा जो कॉल पॉइंट का लोकेशन है ना, उसी लोकेशन पर मैं आज 4th बार जाऊंगा। और ये अच्छी बात है कि मैं सिटी में रह रहा हूँ, रूरल एरिया में रहता तो भाई बहुत मतलब पंगा होता मेरे साथ। पंगा इसलिए कि रास्ते खराब होते और रास्ते ख़राब होते तो मैं ब्लॉग नहीं बना पाता, और ब्लॉग नहीं बना पाता तो मैं खुश नहीं रहता। लेकिन सिटी में रहता हूँ इसलिए बहुत खुश हूँ। का दिन स्पेशल दिन है, आज रक्षाबंधन है, बहन और भाई के प्यार का इजहार करने का दिन है। इस नाम में ही लिखा है रक्षाबंधन। एक भाई अपने बहन के रक्षा करने का पूरा जिम्मा उठाने का आज का दिन है, और उसी को साक्ष्य मानकर बहन भाई के हाथ में एक रक्षा कवच बांधती है, और बहन का भी भाई के भौती जो भी क्या बोलते हैं मतलब परेशानियां आती है वो परेशानियां कम हो जाए, और उस परेशानी में बहन भी साथ देगी ऐसा मतलब माना जाता है। इसीलिए बहन आज के दिन एक ऐसा रक्षा कवच भाई के हाथ में बांधती है। यही आज के दिन का सार है। सभी बहनों को मेरी तरफ से और हमारे चैनल की तरफ से बहुत 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 से भी ज्यादा बहुत। वो पर्वती दिख रहे हैं ना मेरे पीछे, वो एक मिनट कहाँ गए, इधर इधर इस साइड उतना ढेर सारे शुभकामनाएं और प्यार रक्षाबंधन के अवसर पर सभी 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 बहनों को। तो रक्षाबंधन मनाइए, खाइए पिए, बहनों को अपने स्वीट दीजिए, बहनों का आशीर्वाद लीजिए, प्यार लीजिए, साथ में माँ बाप का भी प्यार लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ। उससे पहले मैं भी घर जाने वाला हूँ, मेरी बहन के मेरी भांजी यशस्वी वेट कर रहे राखी बंधवाने के लिए, पता नहीं कब जाऊंगा।
लेकिन जाने वाला हूँ, मेरा मन कर रहा है जाना चाहिए, और दूसरा मन ये भी बोल रहा है भाई तुम आराम भी करना चाहो मतलब करो, और तीसरा मन ये भी कहता है कि शूट पर जाओ। ये मन मन की बातें हैं, लेकिन अंत में वही होता है जो नसीब में होता है। जाऊंगा राखी बांधवाने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, नई दिनचर्या के साथ, नई ओम प्रकाश तुर्मे के लाइव के साथ, नए फिल्म सेट पर या नई 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 दिनचर्याओं में। स्प्रेड ह्यूमैनिटी, सेव वाटर एंड सेव फूड, ये तीन चीज़ें कभी मत भूलना, क्योंकि एक बार भी आप फूड वेस्ट करोगे तो एक दिन में या एक 24 घंटे में 10 करोड़ लोग भूखे पेट रहते हैं। तो ये बातें ध्यान में रखिए। बाय।